नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मार्केट इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट। निफ्टी 9300 को ब्रीच किया, लेकिन एक बार फिर 9300 के ऊपर है। ऑलमोस्ट शेंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं सेंसेक्स की बात करें, फिलहाल लाल निशान में फिसला है। 29914 का स्तर देखने को मिल रहा है, कमजोरी है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। एक रेंज में ही फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर देखें कौन से स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, तो आज के सेशन में रियल एस्टेट काउंटर्स मजेदार लग रहे हैं। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, ऑलमोस्ट 7% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिली। शोभा डेवलपर्स यहां पर भी 7% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की आप नजर डालेंगे तो वहां पर भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग जैसे तमाम स्टॉक्स है जहां पर अच्छी बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। मिड कैप पर भी नजर डाल लेते हैं आज के सेशन में। मिड कैप्स में भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। 14,805 यहां पर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करते हुए। इसके अलावा अगर देखें कुछ गेनर्स, तो L&T फाइनेंस यहां पर 4.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। एम्फेसिस, कैनरा बैंक, टाटा ग्लोबल जैसे स्टॉक्स है जहां पर 3 से 3.5% तक का इजाफा आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। आप भी किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें, टोल फ्री नंबर्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पंकज जैन जुड़े हैं। और पहले कॉलर जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं वो है रमन पंजाब से। रमन पूछे कौन सा स्टॉक है आपके पास। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार, टीटागढ़ वेगन्स है, 132 के रेट पे है। ओके, हाँ जी मैम, तो हम इसका पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अभी तो करंट में ये 126-127 रेट चल रहा है जी, तो इन फ्यूचर इसको कितना टाइम के लिए होल्ड रख सकते हैं आप। इसको कब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं होल्ड स्टॉक को। हाँ जी मैम, 6 महीने साल तक मैं होल्ड रख सकता हूँ। हाँ, क्योंकि हल्का सा नुकसान यहाँ पर हो रहा है और आज टीटागढ़ वेगन भी करीब 2% की कमजोरी के साथ आज ये ट्रेड कर रहा है। पंकज क्या राय होगी टीटागढ़ वेगन में आपकी। इनके पास 1,000 शेयर्स हैं, 132 की खरीद है और आज भी करीब 2% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, अगर आपका नज़रिया इस तरह का नहीं है कि मार्केट में काफ़ी ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आजकल पॉजिटिव, सीरियस पॉजिटिव मोमेंटम है, दो टीटागढ़ वेगन में हम देख रहे हैं कि स्टडीली एंड स्मूथली स्टॉक हैज़ बीन राइजिंग। आपने ऊपरी स्तर पे लिया हुआ है, बट जिस तरह से गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज़ का जिस तरह से एक पुश हैगा वैगन एडिशंस और उस पर, तो मेरे को लगता है कि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस स्टॉक इज़ प्रिटी ओके। स्टॉक हैज़ बीन डूइंग वेल अगर हम पिछले 3-4-6 महीने की बात करें, और आने वाले वक्त में मेरे को लगता है कि स्टडी फ्लो रहना चाहिए। तो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक नथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक, स्टे विद द स्टॉक। मेरे को लगता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और उस पर अगर हम एक 5 से 10% का मुनाफा भी एक्सपेक्ट करें अगले 3 से 6 महीने में मिल सकता है, तो स्टे विद द स्टॉक ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म बेसिस। और इस बीच एक बार सुप्रीम इंफ्रा को देख लेते हैं, अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट खबर भी आ रही है कि सुप्रीम इंफ्रा के जो गिरवी शेयर हैं वो बेचने के लिए ICICI बैंक और आदेश कोर्ट की तरफ से मिल गया। स्टॉक में तेजी है, ऑलमोस्ट 3.5% तक ऊपर है। साथ ही साथ ICICI बैंक इस पर भी नजर रहेगी, कल नतीजे भी आने। पूजा वैसे क्या लग रहा है अनुमान, ICICI बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं इस बार। ICICI बैंक के भी नतीजे मोरलेस उम्मीद के मुताबिक, मतलब फ्लैट ही रहेंगे, ज़्यादा यहाँ पर कुछ कंसर्न देखने की उम्मीद नहीं की जा रही है ICICI बैंक के नतीजों से। हाँ, एसेट क्वालिटी में जो स्ट्रेस है वो बरकरार रहेगा ICICI बैंक के नतीजों पर भी। चलिए, इस बीच संदीप है मुंबई से जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। गुड आफ्टरनून संदीप, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरे पास 2,000 शेयर है MCX के 1300 के भाव के। ओके, और मैं करीबन 5-1 साल तक बने रह सकता हूँ। ठीक है, 5 साल एक लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 1300 इनकी खरीद है पंकज, फिलहाल के सेशन में 2.5% नीचे है। क्या करना चाहिए अभी MCX के अंदर। देखो, MCX ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो रॉन्ग ऑन स्क्रिप्ट लाइक MCX। ठीक है, अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें, वॉल्यूम्स हैव बीन बिट सबड्यूड ऑन MCX एक्सचेंज। कुछ एक उसके कारण भी थे, एक तो कमोडिटी मार्केट में थोड़े से वॉल्यूम सबड्यूड रहे हैं और उसके अलावा MCX को लेके कुछ एक इश्यूज थे। बट अगर हम पिछले 3 से 6 महीने की बात करें, जिस तरह का सेबी का नज़ीर रहा है, जिस तरह से सेबी अब ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउ कर रहा है कमोडिटी मार्केट में, तो मेरे को लगता है पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में वॉल्यूम भी बढ़ने चाहिए एंड स्क्रिप्ट बाय एंड लार्ज आई थिंक शुड अगेन स्टार्ट डूइंग वेल। एंड नॉट टू फॉरगेट, करीब
जस्ट बिलो 900 रुपीज़ से स्क्रिप्ट में मूवमेंट देखी गई है पिछले कुछ एक महीनों में. तो डजेंट मैटर आपने ऊपरी स्तर पे ले रखे हैं, बट स्क्रिप्ट में पोटेंशियल अच्छा है, आप बने रहिए. ओके, तो एनसीएक्स में बने रहने की राय होगी पंकज की तरफ से. अगले कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं, सौरभ. सौरभ नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास. जी मैं सौरभ सिंह पुणे से बोल रहा हूँ. मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी का 220 क्वांटिटी 84 के रेट से मैंने लास्ट तीन साल पहले लिया था. ओके, अभी उसका क्या कर रहा हूँ सर. और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर आपको हो रहा है और तीन साल पहले की खरीद है आपकी. राइट. ओके पंकज, आईओबी के शेयर्स हैं इनके पास, 84 की इनकी खरीद है, तीन साल पहले लिया था, और इस वक्त इनको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है. बैंक के साथ कुछ इश्यू भी हैं एसेट क्वालिटी के कंसर्न को लेकर, लेकिन कैपिटल इन्फ्यूजन की बात आ रही है सरकार की तरफ से, इसलिए पिछले एक महीने का अगर हम ट्रेंड देखें तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है. आज भी हल्की मजबूती के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है. क्या राय होगी आईओबी में, होल्ड करें या एग्जिट कर लें स्टॉक से. देखो काफ़ी ऊपरी स्तर पे आपने ले रखा है, ऑलमोस्ट 1/3 वैल्यू है, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ थोड़ा जो हमने रन अप देखा है पिछले कुछ एक हफ्तों में आईओबी में, उसके बावजूद भी काफ़ी ऊपरी स्तर पे आपने ले रखा है. बट आईओबी इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप पीएसयू बैंक्स. कई एक इशूज़ हैंगे, बीच बीच में कई बार ऐसी अटकलें आती रहती हैं, जो चार पाँच छोटे मझौले बैंक हैंगे या वीकर बैंक जिन्हें हम बोलते हैं पीएसयू बैंक्स हैं, कि उनका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर बैंक के साथ मर्जर होगा. तो नाम आते रहते हैं, बट उसमें अभी एक्शन की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट की तरफ से, अभी सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं. सो 84 रुपीज़ की भरपाई आईओबी के साथ होनी, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ बुल रन वी आर सीइंग इन बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक्स में भी हमने पिछले दिनों एक रन अप देखा गया है. तो आई एम बिट स्केप्टिकल, मेरे को डाउटफुल हैगा, बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके मे बी नॉट एट करंट लेवल्स, अभी एक रनअप चल रहा है पीएसयू बैंक में, मे बी आईओबी कुड अटेन लेवल्स समवेयर बिटवीन 33-36. गिवन अ चॉइस आई थिंक आई वुड लाइक टू स्विच ओवर फ्रॉम आईओबी. आईओबी से स्विच करके किसी अच्छे छोटे मझौले प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए, मे बी वहाँ पर आने वाले वक्त में 1-1.5 साल में आपके लॉस की भरपाई हो सकती है. मे बी से समथिंग लाइक आरबीएल बैंक और डीसीबी बैंक में हो सकता है कि आपकी भरपाई हो, बट आईओबी से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं निकलना चाहिए. मे नॉट बी इमीडिएटली, बट मे बी समवेयर लेवल्स बिटवीन 36-39. तो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है, तो जल्दी ना करें, कोई भी तेजी आती है स्टॉक में तो एग्जिट कर ले. आईओबी फिलहाल 29 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है. बेहतर ऑप्शंस आरबीएल बैंक, डीसीबी बैंक के तौर पर हो सकते हैं, यहाँ से स्विच कर सकते हैं. फोन लाइन पर हमारे साथ दिनेश है अहमदाबाद से सवाल पूछने के लिए. दिनेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका. दिनेश जी अपना सवाल पूछे, शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई, लेकिन सवाल इनका ड्रेजिंग कॉप को लेकर है. 500 क्वांटिटी है जो की 485 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ है. ड्रेजिंग कॉप फिलहाल 632 का स्तर देखने को मिल रहा है, मुनाफा इनको हो रहा है, इनकी खरीद से ऊपर है, लाल निशान जरूर है आज के सेशन में, आधा परसेंट नीचे है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पे? देखो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक अच्छा शेयर रहेगा, और अगेन सॉर्ट ऑफ कमिंग बैक टू द सेम पैरामीटर, कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट का पुश हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिस तरह से माइनिंग की तरफ पुश हो रहा है, जिस तरह से अब ये माना जा रहा है कि जो आखिरी के 2 साल हैं सरकार के, इसमें सीरियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पुश हो सकता है. सो आई वुड सजेस्ट कि इन सब चीज़ों को लेते हुए मेरे को लगता है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में आप बने रहिए. अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें, स्टॉक ने एक अच्छी मूवमेंट भी दिखाई ऑन अ पॉजिटिव साइड, एंड विद द काइंड ऑफ मोमेंटम मार्केट इज कैरिंग, मेरे को लगता है कि और ऊपर जाने की संभावना रखता है. तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में ऑन अ शॉर्टर टू मीडियम टर्म बेसिस, मे बी ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस एज वेल, आप इसमें बने रहिए. ओके, तो बने रहने की राय होगी ड्रेजिंग कॉप में. अगले कॉलर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं, बलजीत. बलजीत नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास. नमस्कार मैम, सवाल था मेरे पास, इंडस्ट्री के पॉइंट को शेयर और अशोक लेलैंड के 1000 शेयर है. मैम ये अशोक लेलैंड के 84 पे बाइंग है और केशवराम की मैम 171 पे. केशवराम इंडस्ट्रीज के शेयर है आपके पास, और कौन सा स्टॉक का नाम बताया आपने? अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड किस लेवल्स पे लिए आपने? वो मैम 85 पे लिया है. और दोनों ही स्टॉक आप कब तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में हल्का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है. जी जी, 2-3 महीने तक, 2-3 महीने के लिए. जी
जी ओके, केसराम इंडस्ट्रीज पर राय ले लेते हैं। यहाँ पर दोनों में ही न्यूज फ्लो है आज, बेसिकली केसराम इंडस्ट्रीज के नतीजे आए हैं, मुनाफे से नुकसान में आई है कंपनी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में आज काफ़ी कमजोरी है, 10% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अशोक लेलैंड के ऑटो नंबर्स, ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, इन दोनों ही शेयरों में पंकज क्या राय होगी, ये 2 से 3 महीने होल्ड कर सकते हैं इन दोनों ही शेयरों को? देखो अगर 2 से 3 महीने का नज़रिया, आई थिंक स्टे विथ केसोराम, केसोराम में आई थिंक जो आज हमने एक फॉल देख रहे हैं 8 से 9% का फॉल, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, और मेरे को लगता है कि दिस कुड बी अ वन ऑफ इवेंट, क्योंकि अदरवाइज हम देख रहे हैं जो एक मिड कैप सीमेंट क्षेत्र है बाय एंड लार्ज एक ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है, जो लार्जर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, मे बी मिड कैप प्लेयर्स की तरफ से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, बट मेरा ये मानना है कि जो रिजल्ट आए हैं दिस कुड बी अ वन ऑफ अफेयर, और आने वाले क्वार्टर्स में, अगले वाले 2 क्वार्टर्स में रिजल्ट्स कुड इम्प्रूव, और केसराम ऑन अ टेक्निकल बेसिस, ऑन अ मोमेंटम बेसिस मेरे को लगता है कि इट वुड अगेन रिवर्ट बैक टू लेवल्स क्लोजर टू 165-170 जो आज से कुछ एक दिन पहले देखे गए थे, तो आई वुड स्टिक विथ केसराम। सम अशोक लेलैंड में अगर 2-3 महीने का नज़रिया है तो एक स्लगिश मूवमेंट देख रहे हैं, एक स्टॉक स्टॉकअप हो गया बिटवीन से 80 and 90 इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट्स वी आर सीइंग इन सर्टेन अदर ऑटोमोबाइल स्टॉक्स, समथिंग लाइक अ मारुति जो बहुत ही बैंक एक बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव पुश दिखा रहा है, समथिंग लाइक अ महिंद्रा, समथिंग लाइक अ एस्कॉर्ट्स, तो अशोक लेलैंड मेरे को लगता है आपने 85 में लिया, वो 85 का रेट किसी भी दिन आपको आगे पीछे मिल सकता है, अशोक लेलैंड से आप स्विच करिए, इवन एट करंट लेवल्स आई थिंक इट वॉन्ट बी अ बैड आइडिया टू स्विच टू स्क्रिप लाइक मारुति, डजेंट मैटर हैवीली प्राइज्ड है, पर मेरे को लगता है ऑन अ रिलेटिव बेसिस पोटेंशियल अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। केसराम में आप बने रहिए, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप आज के फॉल के बाद सेटल डाउन होगा और दोबारा से पॉजिटिव साइड डायरेक्शन अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। राइट, इस बीच एक बार कंसेंट नेरोलुक देख लेते हैं, 400 के स्तर के आसपास स्टॉक पहुंचा है, नतीजे आए हैं अभी अभी, और अनुमान के मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो बेहतर है नंबर्स, पैट इस बार 116 करोड़ रुपए रहा है, जो अनुमान था 105 करोड़ के आसपास का था, काफी डिफरेंस नजर आ रहा है नतीजों में, लेकिन इसके पीछे कारण भी है कि 535 करोड़ की एक फिगर है जो वन टाइम मुनाफे के तौर पर जोड़ी गई है, जिसके चलते ये डिफरेंस है। एडजस्टेड पैट जो है वो 38% का इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिला, 2.5 रुपए का प्रति शेयर डिविडेंड भी कंपनी की तरफ से ऐलान हुआ है। स्टॉक में देखिए 4 रुपए की मजबूती है फिलहाल, कंसाइन नेरोलैक 400 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्विकली पंकज, कंसाइन नेरोलैक पर आपके एक राय चाहेंगे, नंबर्स के हिसाब से भी और टेक्निकली कैसा लगता है आपको कंसाइन नेरोलैक का शेयर? देखो मेरे को लगता है कि जितने भी ये पेंट इंडस्ट्रीज़ के स्क्रिप्ट्स होंगे, चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो बर्जर पेंट हो, चाहे वो कंसाई हो, इट्स मल्टीनेशनल कंपनीज, इनके पास एक एडवांटेज है, एक मूवर एडवांटेज है इनके पास, और इस स्पेस में आने वाले वक्त में टू सेट अप अ न्यू काइंड ऑफ फैसिलिटीज इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और मेरे को लगता है कि जितने भी ये प्लेयर्स होंगे आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, कंजम्पशन एज अ थीम की वजह से अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक सेटल डाउन हो गया, इट इज़ समवेयर अराउंड एक $50 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है, जिसके मेजर इनपुट होता है पेंट इंडस्ट्री में, एंड कंजम्पशन इज़ राइजिंग, मार्जिन्स अच्छे होंगे, सो ऑल इन ऑल आई थिंक पेंट इंडस्ट्री एज सच पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ, और कंसाइन नेरोलैक पर्टिकुलरली एज अ स्क्रिप्ट पे भी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव नज़रिया हमारा, तो जो निवेशक इस इंडस्ट्री में या इन स्क्रिप्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आई थिंक देर इज नो रीजन फॉर देम टू बुक आउट ऑन प्रॉफिट्स और टू स्विच ओवर टू सम अदर स्क्रिप्ट, मेरे को लगता है ये स्क्रिप्ट आने वाले वक्त में और अच्छा परफॉर्म करें। तो पूरा ही पेंट स्पेस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है एक्सपर्ट को, और इसमें बुलिश भी लग रहे हैं, कंसर्न अलग 398 का स्तर देखने को मिल रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है चाइना से इस वक्त, अनुपमा, नमस्कार अनुपमा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू, तो हम कहना चाहेंगे कि आपने चैनल को देखा, पसंद किया, आई होप आपको कुछ मुनाफा ही हो रहा होगा, कौन सा शेयर है आपके पास? लाइक योर प्रोग्राम। ओके, तो कौन से शेयर पर सवाल पूछना चाहती हैं आप? प्रेजेंट में आई हैव 1000 शेयर 96 से अराउंड 96 से। ओके, आई कैन होल्ड और हाउ लॉन्ग यू बीन होल्डिंग, कब खरीदा था आपने शेयर? खरीदा 96 मींस आई मैंने 1 मंथ एगो। ओके, एक महीने के लिहाज से इनको फायदा हो गया है। पंकज जी, प्रिज्म सीमेंट क्या करना चाहिए? सीमेंट स्पेस में से एक नाम इन्होंने चुना है, इनकी खरीद 96 के स्तरों की, 118 आज का स्तर देखने को मिला है, हालांकि आज इंट्राडे में तो 3% नीचे है, इनको मुनाफा हो रहा है, क्या करना चाहिए, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इनके लिए?
देखो स्टॉप लॉस अगर प्रिज्म सीमेंट का है तो कहीं ना कहीं 112 रुपये आएगा, थोड़ा सा डीप है करंट लेवल से, अभी भी 7-8 रुपये की गुंजाइश आएगी। बट मेरे को लगता है कि अगर आपका एक, क्योंकि आपके पास कुशन काफ़ी अच्छा है, 90 रुपये पे आपने लिया हुए, करंट लेवल्स पे अच्छा मुनाफा देख रहे हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में बड़ी सीरियस गुंजाइश है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस 127 से 133 रुपये जाने के लिए। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, सीमेंट इंडस्ट्री एज सच, सीमेंट सेक्टर एज सच मेरे को लगता है एक बुलिश पैटर्न में आ गया, और उसके अंदर मिड कैप सीमेंट स्पेस डजंट मैटर, जो आज हम एक इफेक्ट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स ऑफ केशोराम, हम देख रहे हैं कि स्पेस में एक थोड़ा सा एक दबाव का एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बट मेरे को लगता है कि विद द काइंड ऑफ मोमेंटम मार्केट इज कैरिंग, विद द काइंड ऑफ एक्विजिशन रादर, विद द काइंड ऑफ डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी विच इज हैपन्ड इन मिड कैप सीमेंट स्पेस, मेरे को लगता है कि इट इज़ अ वन ऑफ इवेंट और एक दो दिन में सेटल डाउन होना हो जाना चाहिए। सो आई वुड स्टे विद प्रिज्म सीमेंट, अच्छा बेहतरीन स्टॉक हैगा मिड कैप सीमेंट का। और फिर भी अगर मेरे को, क्योंकि मार्केट में अब 9300 पे कुछ एक ऐसी अटकलें आ रही हैं कि 100 से 200 पॉइंट निफ्टी की करेक्शन की कभी भी संभावना, 112 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए।